ओके, सो फैक्टर्स फैक्टर्स हमें पता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेनेसांस, जो इंडियन रेनेसांस चल रहा था, मॉडर्नाइजेशन, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज, ये सारे फैक्टर्स बेसिकली मेंस के हैं, प्रीलिम्स के लिए जरूरत नहीं है. और क्या था, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. इस पे क्वेश्चन मेरे को लगता है बन सकता है, अगर बनेगा कभी, कि क्या क्या ऐसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ये फैक्टर थे जो ऐसे ये पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट हुई. ठीक है, तो सिविल सर्विस, जुडिशियरी, आई होप ये सब आपने पढ़ा होगा. आई वॉन्ट टू यू टू गो थ्रू दिस ओनली, क्योंकि मेन सबका सोर्स यही है. ठीक है, देन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, अगर इसका नाम थोड़े से एक बार देख लेना, क्योंकि ये नाम कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो हु ऑल वर दीज. ठीक है, एंड ये सब मोटी मोटी चीजें, रोल ऑफ प्रेस. तो जब रिवाइज करते हो तो अंदर की चीजें नहीं पढ़नी है, बस ऊपर ऊपर का पढ़ना है कि क्या कॉन्ट्राडिक्शन थी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, ऐसे दो दो लाइन करनी है, ऐसे नहीं कि पूरा सारा रंग दिया. ठीक है, सो इट विल टेक यू हार्डली 5-10 मिनट्स टू रिवाइज वन चैप्टर. प्रेस का रोल क्या था, हमको पता ही है कि उसने इन्फॉर्मेशन करी, तो इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है जो तुमको एक एक लाइन पढ़ना पड़े. ठीक है, सो बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ तुमको यहाँ पे कि कौन से पेजेस में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको तुम टिक मार के रख लो, ताकि उन पर ज्यादा ध्यान देना है, ना कि सब पे. ठीक है, एंड वॉट एवर आई हैव हाईलाइटेड, आई डोंट थिंक देर इज मोर रिक्वायरमेंट टू रिवाइज एनीथिंग एल्स. ठीक है, रिकवरी ऑफ इंडिया पास्ट की बात करें तो इनके भी नाम थोड़े से याद कर सकते हो तुम. ठीक है, कि आरजी भंडारकर, आर एल मित्तर, स्वामी विवेकानंद. ठीक है, इन्होंने पास्ट ग्लोरी के बारे में बात की थी, तो कहीं अगर टकर गया कोई क्वेश्चन जिससे एलिमिनेट करना हो तो. ठीक है, नाउ यहाँ पे भी कुछ नहीं है, प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट, राइज ऑफ मिडिल क्लास, नाम से समझ आ रहा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है. इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट, इसमें क्या है, ग्रीस एंड इटली में जो रिफॉर्म्स हुए थे, आयरलैंड में जो डेमोक्रेटिक एजुटेशन वगैरह चल रहा था, तो दीज टू आर इनफ. नाउ इसके बाद रिएक्शनरी पॉलिसीज में ये ना, ये एक्ट्स याद करने की जरूरत है, कभी कभी एलिमिनेट करने के काम आता है, जैसे आईसीएस एग्जाम कब किसके अंडर हुआ, लिटन के अंदर हुआ, दिल्ली दरबार. ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये सब वैसे लिटन के अंदर ही हुआ है. ठीक है, तो ये टाइमलाइन कनेक्ट करने में आसान रहेगा. ठीक है, देन अब ये पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ से इस पन्ने से थोड़ा सा डिटेल ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, जिसको भी मैंने ऐसे बना के अपनी किताब में चिपका लिया था. ठीक है, ताकि मुझे यही पढ़ना पड़े, क्योंकि जितने ज्यादा शब्द पढ़ने पड़ेंगे उतना आपके लिए मुश्किल है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, बंगला भाषा प्रकाशिका सभा, एसोसिएशन विद राजा राममोहन रॉय. अब लॉजिकल है, सबसे पहले इंटरेस्ट किसका था, जमींदार्स का. तो सबसे पहले जो एसोसिएशन बनी है वो जमींदार्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने को बनी है. ठीक है, तो ये सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ लैंड होल्डर्स. देन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी. अब तुमको ये ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले रेवोल्यूशनरी, मतलब जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी वो बंगाल में हो रही थी. ठीक है, तो ऑब्वियसली बाय नेम इट गोज बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी. देन इसका भी इंफॉर्मेशन, मतलब इनका बेसिकली था कि जो ग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो शायद ब्रिटिशर्स को पता नहीं, तो उनको दे दो. देन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दिस वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड रूरल सोसाइटी एंड ब्रिटिश बंगाल इंडिया सोसाइटी. नाम थोड़े से पर हो जाएंगे एक दो बार पढ़ने पे. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, ये हमें पता है, दादू भाई नौरोजी ने बनाए थे लंदन में. देन इंडियन लीग, सिसिल कुमार, नाम याद, दिस इज इम्पोर्टेंट, 1875, जस्ट बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस. और ये 1876 में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसको आपने रीड करना है. ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट. कौन कौन से दो नाम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. और फिर यहाँ पे लिखा है इन्होंने क्या क्या किया, मेंबरशिप लो पे थी, रिडक्शन इन एज लिमिट, इस पे प्रोटेस्ट किया. नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये वाली कि बॉम्बे में कौन सी थी और मद्रास में, तो तीन जगह ज्यादा प्रोमिनेंट था, क्योंकि वहीं पे ब्रिटिशर ज्यादा थे, कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास. ठीक है, तो बॉम्बे में कौन सी बनी, पूना सार्वजनिक सभा, तो हमें पता है पूना बॉम्बे में है. और सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, एम जी राणा डे. ठीक है, ज्योतिबा फुले के बाद एम जी राणा डे आते हैं. ठीक है, तो एम जी राणा डे पूना. अब जो दूसरा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. अब देखो ये थोड़ा इंग्लिश नाम है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो यानी किसी बड़े बड़े लोगों ने बनाया होगा. ठीक है, तो इनका नाम है बद्रुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एंड केटी तेलांग. अब नाम याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो कोई निमोनिक वगैरह बना लो. ठीक है,
तो मेरे निमोनिक कोई ज्यादा बहुत बढ़िया तो नहीं है, बट ऐसे ही कुछ बनाया था मैंने कि बीपी कुछ हाँ बीटी करते हुए रात को, हाँ बीपी बढ़ गया बीटी करते हुए रात को। आई होप बीटी का तुम सबको मतलब पता होगा, ठीक है। बीपी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। बीटी से बदरुद्दीन तैयब जी, पीएम से फिरोज शाह मेहता, एंड केटी से करते करते तो समझ जाना केटी कितने, ठीक है। तो दो ये हो गया बॉम्बे, एंड देन मद्रास। मद्रास में एक ही है जो इम्पोर्टेंट है, जो इससे पहले आई है, मद्रास महाजन सभा। ये किसने बनाई है? एम वी रघुवाचार्य, बी सुब्रमण्यम, एंड पी एन अंचालू। तो इसमें भी एक निमोनिक कुछ अपने तरफ से बना लो, जरूरी नहीं यही कॉपी करना है। तो मैंने कहा था मद्रास के वीर भी सुबह आएंगे, पानी आना चालू करो, समथिंग लाइक दिस, मतलब जो दिमाग में आया, ठीक है। सो मद्रास मद्रास, ठीक है, वीर वीर रघुवाचार्य, ठीक है, एंड देन सुबह सुब्रमण्यम अय्यर आएंगे, एंड पानी आना चालू करो, यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। सो मेक यूज ऑफ दिस, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब फ्लैश कार्ड्स वगैरह, ये सब निमोनिक्स वगैरह, इसकी प्रैक्टिस करो। अच्छा यहाँ पे इस सब का मतलब, हाँ टाइमलाइन के लिए यू कैन रीड दिस कि कब लिटन आया था, बट हमेशा हमेशा जब भी मॉडर्निस्ट्री पढ़ो ना तो वॉइस रॉय के हिसाब से याद रखना, तो मेरे को लगता है ज्यादा क्लैरिटी रहती है उससे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, एओ ह्यू ने बनाई थी, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि इनका प्रिकर्सर था, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद, ये दोनों नाम इम्पोर्टेंट है याद रखना। डब्ल्यू सी बनर्जी फर्स्ट वो थे। अच्छा ये कदम्बरी गांगुली ने फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, ऐसा कुछ भी मतलब फैक्ट्स जो है वो ध्यान में रखने। देखो ये अब देखो किताब देखो मैंने कितना कम हाईलाइट किया है, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम से पहले मुझे एक दिन में सारा रिवाइज करना है, तो मुझे नहीं चाहिए ज्यादा लाइंस, ठीक है। बट आई वॉज ऑल्सो लाइक यू, मैंने भी पूरी किताब रटी है, ये मेरी दूसरी किताब है बेसिकली, एक फट चुकी है, ठीक है। सेफ्टी वॉल थ्योरी कुछ प्रीलिम्स के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहानी एक बार पढ़ ली तो ये याद रहेगी। सेफ्टी वॉल में क्या था, उसने बोला था कि ये क्या है कि सेफ्टी वॉल है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बेकार है, ये प्रीलिम्स के लिए नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या था कांग्रेस का, कि ऑल इंडिया यूनिटी बनानी है, पॉलिटिकल यूनिटी बनानी है, तो उसको भी इग्नोर कर सकते हो। देन इरा ऑफ मॉडरेट्स नाम याद रखने जरूरी है इसमें, दादा भाई नौरोजी का क्वेश्चन आएगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ये तो था ही नहीं एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, डी वॉचर, डब्ल्यू सी बैनर्जी, एंड एस एन बैनर्जी। अभी मैंने आपको बताया कि डॉन ने, यहाँ पे देखो अब ये थोड़ी मेरी क्रिएटिविटी, आई डोंट नो तुमको कैसी लगेगी। तो डीएन डॉन ने पीएम रात को वॉच करा एक बोन बैनर के ऊपर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब इससे रिलेट कर लेना खुद से, यहाँ से इग्नोर कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स, ऊपर ऊपर वाली लाइन पढ़नी है बस, इकोनॉमिक क्रिटिक। अच्छा इसमें तीन है नाम, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्ता, एंड दिनेश वॉचर। नेक्स्ट थोड़ा इसको मार्क कर लेना, इंपीरियल ये सब जो है इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट। अब देखो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1861 में, 1858 में वो शिफ्ट हुआ, क्राउन के पास गया, 1861 में फर्स्ट काउंसिल एक्ट आया, और अब तक कोई आया नहीं है। अब वो कांग्रेस बन चुकी है 1885 में, तो अब नेक्स्ट काउंसिल एक्ट 1892 में आएगा, तो आफ्टर 1861 ये सेकंड आएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी उसका एजेंडा ये था कि जल्दी से जल्दी काउंसिल एक्ट लेके आओ, क्योंकि अब बहुत पुराना हो गया है, ठीक है। तो ये उसके बारे में थोड़ा बहुत है, 1892 में काउंसिल एक्ट आया था। अब जब ये तुम काउंसिल एक्ट पढ़ोगे ना तो देखो लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर में ये सब दिया हुआ है, वहां पे कम डिटेल में, यहाँ ज्यादा डिटेल में, तो यहाँ से कंबाइन करके पढ़ना बेसिकली, ठीक है। ये डिमांड्स वगैरह पढ़ लेना इसकी, ये जेनरिक है बस, इंडियनाइजेशन मतलब इनकी क्या क्या डिमांड थी, क्या क्या रिफॉर्में मांग रहे थे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दिस चैप्टर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्टाइल था, अब ये वाले चीज इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा इसमें देख लेना, सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह ने यूनाइटेड नेशन इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन ये बनाई थी टू अगेंस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब बनारस से तुम याद रख सकते हो कि बनारस में क्या है, राम मंदिर है, तो राम मंदिर प्रसाद तो मिलेगा ही, तो समथिंग राजा शिव प्रसाद, ओके।
इरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, बेसिकली उनकी प्रोटेस्ट ये सब मॉडरेट्स का काम चल नहीं रहा था, तो मिलिटेंट्स ने कहा कि भाई हम तो कुछ और करेंगे, तो ये कुछ नहीं है, ये छोटी बहुत थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, ये सब देख लेना, ये नाटू ब्रदर्स डिपोर्टेड विदाउट ट्रायल, ठीक है, देन रिप्रेसिव लॉज, दीज टाइमलाइंस आर इम्पोर्टेंट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था 1904 में अंडर रेले कमीशन, ठीक है, तो जो तुमको बाद में इंफॉर्मेशन में मिलती है ना उसको ऐसे ऐसे रिलेट करके कहीं कहीं लिख लिया करो, ठीक है, देन नथिंग इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस में जापान का राइज, ठीक है, बस थोड़ा बहुत, नॉट मच, नथिंग इम्पोर्टेंट, अच्छा यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं उनका ऐसे करके एक कोई मतलब मॉडरेट लीडर्स कौन थे और एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे, तो ऐसे करके एक पन्ना बना लो, ठीक है, इसमें कौन कौन थे मिलिटेंट स्कूल के, राज नारायण बोस, अश्विन कुमार दत्ता, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, बाल पाल लाल तो तुमको याद ही होगा, ठीक है, LBP, ठीक है, एंड बाकी इन ऐसे करके कुछ कुछ बना लो अपना, कि राज जो DDLJ में राज था उसने अश्विन को बोला कि औरों को बॉलिंग सिखाए और शास्त्री जी ने LBP के साथ बैठ के उसको देखा, कुछ कुछ, ठीक है, और ये वाला ये अश्विन कुमार दत्ता इंपॉर्टेंट है, स्वदेश बंधन समिति, ये क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी, PYQ है ये, कि स्वदेश बंधन समिति कहाँ बनी थी, दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट, अगर कोई और है हो ना हो कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे क्या क्या हुआ था, अच्छा पार्टीशन ऑफ बंगाल, मुस्लिम इधर आए थे, ठीक है, कौन कौन से इसमें क्या था, कौन सी डेट को हुआ, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, पार्टीशन के टाइम पे कौन कौन एक्टिव थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, के मित्रा, पृथ्वी चंद्र रे, ये तीन ही नाम है, ये तुम याद कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट है, हितवादी, संजीवनी, बंगाली, रमेंद्र सुंदरन त्रिवेदी, इन्होंने जो क्या बोलते हैं रक्षाबंधन वाला है वो प्रपोज किया था, अमर सोनार बांगरा, ये आई थिंक सबको पता होगा बट दिस इंफॉर्मेशन इज न्यू, ठीक है, तो इसको लिखना, इसको मार्क कर लेना बेसिकली, ठीक है, एंड बेसिकली ये स्प्रेड अदर पार्ट्स में किसने करी थी, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, पुणे में तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, दिल्ली में सर हैदर रजा ने, ठीक है, कांग्रेस पोजीशन 1905 में गोखले के अंडर था, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया, एक्सट्रीमिस्ट मांग रहे थे कि हमको और एरियाज में भी इसको फैलाना है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं, अभी हम बंगाल तक लिमिटेड रखेंगे, जिससे एक्सट्रीमिस्ट खुश नहीं थे, तो अब तुम ये भी देखो कि सूरत स्प्लिट की तरफ आ रहे हैं, 1905 से डिसकंटेंट शुरू हो गया था, ठीक है, पर 1906 में क्या हुआ, दादा भाई नानोजी आए, तो अगर तुमने इनका डिबेट पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि मतलब इन्होंने बोला था एक्सट्रीमिस्ट ने कि तिलक को हम प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं 1906 में, पर मॉडरेट्स ने बोला नहीं दादा भाई नौरोजी बनेंगे, क्योंकि उनको पता था इज अ वेरी रिस्पेक्टेड मैन और इसको कोई मना नहीं करेगा, सो फॉर वंस अगेन एक्सट्रीमिस्ट वुड पुल डाउन, दादा भाई नौरोजी बने और उन्होंने फर्स्ट टाइम स्वराज की बात करी, सो दिस इज ऑल्सो वैलिड मतलब एक क्वेश्चन, पोटेंशियल क्वेश्चन, सो द सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज लाइक यूनाइटेड किंगडम, सो फर्स्ट टाइम दे टॉक्ट अबाउट स्वराज, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, दिस अगेन रिपीटिशन, क्या हुआ वहां पे, नाउ दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी समितिज बनी, इससे बार बार क्वेश्चन उठता है, स्वदेश बंधन समिति, ये किसी टेस्ट सीरीज में भी बहुत बार आता है, अश्विन कुमार दत्ता, किस टाइम बनी थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे बनी थी, वीओ चिदंबरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा, ठीक है, इन्होंने स्वदेशी संगम शुरू किया था साउथ में, ठीक है, मेन इसका क्या था, मैजिक मैजिक लैंड ट्रेन कब कौन से टाइम पे थे, CDM, NCM या पार्टीशन ऑफ बंगाल, सो पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, ये सब ध्यान, और क्योंकि फिर एक और तुम जब CDM या फिर NCM वो पढ़ते हो क्विट इंडिया, तो वहां पे तुम और देखते हो वो प्रभात फेरी देन वॉल, वो उसी टाइम पे था, अब बेसिकली इन्होंने नेशनल एजुकेशन के टाइम पे काम किया था, ये क्वेश्चन क्योंकि जब नेशनल तुम रिफॉर्म्स पढ़ोगे तब तुम इसका भी पढ़ोगे कि कौन कौन सी कमीशन आई थी, पर इंडिया ने अपने एजुकेशन रिफॉर्म शुरू किए थे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, अरविंदो घोष बंगाल नेशनल कॉलेज, अरविंदो घोष फर्स्ट प्रेसिडेंट राज बिहारी घोष, ये इसके फर्स्ट प्रिंसिपल अरविंदो घोष थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये सेट हुई थी फर्स्ट टाइम इंडिया में, देन
ये सारे नाम इम्पोर्टेंट, दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, 282 मार्क कर लेना। सतीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है, इन्होंने डाउन सोसाइटी में इनका ये लीडिंग पार्ट फॉर्मेशन किया था। इसमें समटाइम्स यू हैव टू नो द नेम टू यू नो एलिमिनेट थिंग्स। इसका क्वेश्चन 2021 में बना था, द शेर का था, उसी के बाद इन्होंने शायद इसको प्रिंट किया है। ठीक है, कि तो क्वेश्चन ये था कि इसमें से कौन सी जो बुक है वो मैंडेटरी की थी स्वदेशी पीरियड के टाइम पे। सो इट वाज मैंडेटरी रीडिंग फॉर स्वदेशी एक्टिविस्ट। सो द नेम सखाराम गणेश डॉकर और उसकी द शेर कथा। आएगा तो नहीं सवाल, एक बार आ चुका है तो अब क्या ही आएगा। वीओ चिदम्बरम पिल्लई, इसने स्टीम नेविगेशन कंपनी शुरू करी। इम्पोर्टेंट, अगेन इम्पोर्टेंट, ये सारा नाम इम्पोर्टेंट है। क्या क्या इन्होंने किया, इम्पैक्ट ऑन कल्चरल स्फीयर्स, फर्स्ट टाइम कल्चरल एक्टिविटीज शुरू हुई है। ठीक है, अगेन अभिंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ये तो मेंस में भी लिखते ही हो कि अभिंद्रनाथ टैगोर ने फर्स्ट टाइम रिवाइव किया जो इंडियन आर्ट था उसको। नंदलाल बोस, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ये सब साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में बाहर गए। दिस पेज बिकम्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। देन स्टैंड ऑफ मुस्लिम्स, एक तो यहाँ पे तुमको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका हुआ द प्रकर्सर ऑफ मतलब सेपरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी इन्हीं के अंडर बनी थी, तो पार्टिसिपेशन कम था स्वदेशी मूवमेंट में मुस्लिम्स का। क्यों? क्योंकि एक तो तिलक जो है वो काफी हिंदू एक्टिविटीज कर रहे थे। देन लेबर अनरेस्ट इन ट्रेड यूनियंस। नाउ मैंने जैसे बोला कि लेबर अनरेस्ट और ट्रेड यूनियंस के काफी सवाल बन रहे हैं, तो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो यानी 250 बंगाली क्लर्क ये पहली बार स्ट्राइक पे गए, मतलब यूनियन का कंसेप्ट ही नहीं था 1905 तक। ठीक है, कोई यूनियन का कंसेप्ट नहीं था और पहली बार यहाँ पे स्ट्राइक पे जाते हैं। ऑल इंडिया रेलवे वर्कर मैन यूनियन बनती है पहली बार। ठीक है, ये सुब्रमण्यम शिवा चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने स्ट्राइक लेट की टूटीकोरिन एंड तिरुनेलवेली में। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, सोशल बेस एक्सपैंड हुआ। एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन 1911 में हार्डिंग ने किया। क्यों? क्योंकि वो प्लेसेट करना चाह रहा था मुस्लिम्स को और वो करप्ट करना चाह रहा था। बेसिकली वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से परेशान हो गए थे, तो इन्होंने इसको रिवोक किया। ठीक है, अच्छा अभी फिज आउट कर जाती है कुछ, इसमें ज्यादा नहीं है। सूरज स्प्लिट के बाद लोग अलग अलग हो जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट नहीं रहती उनके लिए चीजें। और अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्रपाल रिटायर हो जाते हैं, तो बेसिकली इट फिजिज आउट। नेक्स्ट, नथिंग नथिंग। ठीक है, कुछ ज्यादा है नहीं। सूरज स्प्लिट में कौन प्रेसिडेंट था? हाँ, राजबिहारी घोष, बस इतना याद रखना। और यहाँ पे ये वर्ड स्वराज वॉज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कब हुआ था? 1906 में, अंडर द प्रेजिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बस इसको, बाकी पैराग्राफ को तुम स्किप करते रहो चलेगा। स्प्लिट टेक्स प्लेस 1907, वही राजबिहारी घोष। अच्छा, गवर्नमेंट डिप्रेशन, अब यहाँ पे देखो ये एक्ट्स के नाम याद रखने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिडिशियस मीटिंग एक्ट 1907, अब इनको करप्ट कर, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज आई, तो अब गवर्नमेंट को सिर में दर्द हो गया कि इनको रोकर कैसे। तो 1907 में पहला आता है कि सिडिशियस मीटिंग एक्ट, अगर तुम मीटिंग कर रहे हो कुछ इंसाइट करने हो तो दैट इज बैंड। इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट, ये आप आगे भी पढ़ेंगे न्यूज़पेपर रिफॉर्म्स में कि कैसे प्रेस पे पाबंदियां लगाई गई। तो 1908 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 1908 इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ठीक है, तो बेसिकली प्रेस पे लगाई जा रही है पाबंदियां और क्रिमिनल लॉ को बहुत स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। और 1908 में केसरी, हाँ ठीक है, ये था कि उन्होंने केसरी में कुछ आर्टिकल लिखा था, उसकी वजह से उनको जेल हुई थी तिलक को। एंड जो बॉम्ब थ्रो किया था बंगाल रेवोल्यूशनरीज का इन मुजफ्फरपुर, ठीक है, कौन कौन थे? प्रफुल्ल चक्की एंड कुंदीराम बोस। अच्छा, बस इसको, इसी को मैंने ऐसे करके पन्ने पे लिख लिया था सो दैट आई डोंट हैव टू रीड थिंग्स मोर। गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या थी? बेसिकली हॉस्टाइल थी, नथिंग एल्स। एंड दिस, हाँ, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909, इसको पढ़ने का है। ठीक है, शिमला डेपुटेशन हुई थी, आगा खान ने इसको लेड किया था। आगा खान ने अब सुप्रीमेसी ले ली थी मुस्लिम लीग के,
मुस्लिम लीग शुरू किस किसने करी थी? एक तो हमने पढ़ा नवाब सालिमुल्ला ऑफ ढाका, नवाब मोहसिन उल मुल्क एंड वकार उल मुल्क, ये तीनों नाम पर आगा खाना पिक्चर में आ रहे थे। आगे इन्होंने इलेक्टोरेट वो मांगा, इसको पढ़ लेना एक बार।